हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या चल, आई होप अच्छे होंगे। तो भाई जल्दी से अगर वीडियो को लाइक कर लो, वीडियो के लाइक्स का एम है 25,000। जल्दी से अगर से पूरा करा दो। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था हमारा प्यारा माइकल गया था पिरामिड में भाई, वो भी चीन का पिरामिड था। वहां पर ट्रेवर मुझे मिला बट वो असली नहीं था, वहां पे उसको होलोग्राम था। मतलब काफी चीजें भाई मैंने देखी कल, और सबसे ज्यादा खतरनाक काम ये हुआ कि लेस्टर ने अपने प्यारे माइकल के बेटे को मार दिया। तो फिलहाल भाई आज आपको सारी चीजें पता चलने वाली है कि आखिर ये सारी चीजें हो क्यों रही है, क्योंकि मजा आने वाला है। काफी लंबी प्लानिंग चली, थोड़ी सी प्लानिंग अगर देखो बनानी पड़ती है आपको पता, अगर प्लानिंग नहीं बनाते तो अंडरवर्ल्ड माफिया और बाकी बंदे। और जैसे ये नमूना जो स्टार्टिंग में आ गया नैनो वाले भैया, तूने रोल्स रॉयस में टक्कर मार दी, मतलब हद मचा रहा यार, कैसे कैसे नमूने देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल भाई अभी जा रहा हूँ मैं लेस्टर के पास ही, क्योंकि थोड़ी सी प्लानिंग अभी हमारी और बची हुई है, पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद सभी की कमर टूटने वाली है। क्योंकि भाई अंडरवर्ल्ड माफिया को मारना है मेरे को, और ऊपर से आपको पता है हमें वो भी चाहिए डिवाइस मिलिट्री का। तो सारी चीजें जैसे भी हमने भाई बैलेंस में रखी है, वो सारी चीजें अभी देखते हैं हमारी सही सही हुई या नहीं हुई, वो तो पता चली जाएगा। फिलहाल निकलते हैं लेस्टर के पास। तो भाई अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, मैंने लाइक से बता के रखा हुआ है, 25,000 जाकर के लाइक कर लो। अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके उसको स्टार्ट कर दो। अगर आपने अभी तक सेकंड चैनल को चेकआउट नहीं किया, बाद में जाकर के चेकआउट कर लेना, उस पर जीटी के वीडियो डालता हूं, इसका नेक्स्ट पार्ट शाम को 5 बजे उसी पर आने वाले। तो भाई फटाफट से पहुंचता हूं जगह पर, लेस्टर मेरा वेट कर रहा है अपने घर पर। आपको बताइए भाई आजकल तो भाई उल्टे सीधे काम बहुत करने लग गया वो बंदा। भाई मैं लेस्टर घर पर पहुंच चुका हूं, नमूने लगे भाई अभी फोटो लेने। मेरे को एक बात समझ नहीं आती, ये नमूने बार बार क्यों आ जाते हैं? अबे शर्म कर लिया कर, शर्म हद मचाते हो। ये लेस्टर ने घर खरीद लिया, अब यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं रहता। आते भाई मुंह उठा करके डेली पिटते हैं मुझसे ये बंदे, डेली जब भी मैं लेस्टर के पास आता हूँ मिलने के लिए। पहले मैं फैक्ट्री में जाया करता था बट भाई अभी आजकल लेस्टर वहां पर रहता ही नहीं। अभी लेस्टर शिफ्ट हो चुका है हमारा प्यारा भाई यहाँ पर। लेस्टर बैठे जल्दी से मेरे को बता दे कहाँ पर है। तो ओके भाई लेस्टर सामने खड़ा हुआ, चलिए जा करके पता कर लेते हैं जल्दी से। तो लेस्टर भाई जी आज की क्या प्लानिंग है? कल तो तुमने माइकल के बेटे को मारा फ्री में जिनको खुश करने के लिए, तो अब क्या करना है बताएगा? माइकल देख भाई सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल अभी जल्दी से तू उसी सेम जगह पे जा, उसी पिरामिड में, और जा करके देख ट्रेवर अभी वहां पर है नहीं है, क्योंकि अभी हमें लगता है जिन खुश हो गया होगा, तो इसलिए आराम से जा और जा करके उससे विश मांग के वो ट्रेवर को छोड़ दे, बात खत्म, सब कुछ सही हो जाएगा। फिलहाल भाई चलिए चलते हैं, मेरे को लगता है भाई अभी हमें जब जीवी जा ही चुका है तो कम से कम उसके मौत का भाई कम से कम फायदा तो उठा ही लेते हैं कि जा करके जिन से विश मांगते हैं ड्राइवर को छोड़ दिया जाए, नहीं तो हम बहुत पीटेंगे आपको। वैसे ऐसा बोल नहीं सकते यार, उसको नहीं तो पता है ना कितना बुरा पीटेगा, उसकी तो आवाज ही इतनी भयंकर है। तो फिलहाल जल्दी से पहुंचते हैं भाई, लेट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। सेम उसी जगह पे आपको याद ही होगा, उसी पिरामिड में। माइकल फूफा जी जल्दी से बैठिए गाड़ी के अंदर, फिर निकलते हैं यहाँ पे। तो अभी तक कोई नमूना मिला नहीं है, फिलहाल ये कैमरा वाला मिला था, एक भाग गया, एक का तो भाई मैंने बहुत बुरा इलाज कर दिया, सॉरी चाचा जी। तो आगे से आपको याद रहेगा, लो भाई दूसरा नमूना मेरे को मिल गया, कैसे भागने में लगा है। अरे मुझे मत मारना, मैं तो फोटो लेने आया था। अबे फोटो लेने आया था तो भाई देख रहे हो, अब इसका डर निकल गया, पहले भागने में लगा हुआ था। अबे भाग क्यों नहीं रहा तू? अभी बनाऊंगा भाई मैं इसका नेता, हद मचाता है। तो फिलहाल देखते हैं ये भागेगा मुझे देख के, नहीं भागेगा फिलहाल भाई, अभी भी नहीं जा रहा। अरे यार फिर से नैनो वाली आंटी आ गई है, मेरा पीछा कर दिया क्या? हेलो चाचा जी क्या हाल चाल है? अबे भाग क्यों नहीं रहा तू? और देख ये बंदा तो भाई ऐसे ही चले जा रहा है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो इसका नेता भी बनाऊंगा। अबे भाई रुकेगा नहीं रुकेगा, ये ले बेटे अब भागे ना, कैसी लगी आया मजा, आगे से घुस मत जाना। अरे भाई पीठ पे क्या गोली लगी, दो दो गड्डी छोड़ दी इसने तो। फिलहाल चलिए भाई बहुत बंदे से मजे ले लिए, अभी गाड़ी उठाते हैं जल्दी निकलते हैं। भाई मैं दोबारा से पहुंच चुका हूँ अपने उसी वाले पिरामिड में। भाई अब की बार काफी अलग सा लग रहा है ना, लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था काफी रेड रेड होकर के रखा था, बट अब की बार ये काफी अजीब होकर के रखा है। चलिए कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, मेरे को तो ऊपर चलना है और देखना है जिनसे मिलना है और उसे विश मांगनी है और ड्राइवर वापस आ जाएगा, बात खत्म। सिंपल यही काम करना है, इसके अलावा और कोई भी काम नहीं करना। माइकल जल्दी आगे जा, तो ठीक है भाई जल्दी से आगे की तरफ पहुंचता हूँ। भाई मैं लगभग ऊपर पहुंचने ही वाला हूँ बट अभी तक भी ना मेरे को भाई कोई दिखाई नहीं दिया, ना तो अब की बार ड्राइवर मुझे दिखाई दे रहा और ना ही अब की बार भाई मुझे जिन ने आवाज लगाई। चलो देखते, वैसे जिन ने आवाज तो बाद में लगाई थी बट फिर भी ट्राई तो कर लेते हैं यार, क्योंकि आवाज तो लगानी चाहिए थी। और ड्राइवर कहाँ पर है यार? लास्ट टाइम आपको याद है ड्राइवर यहीं पर था और जब मैं उसके आर पार निकल गया था। अरे यार फिलहाल हेलो भाई जीनी कहाँ पर है, कहीं और तो नहीं ले गया ना उसको? ये लो भाई फिर से एक और गड़बड़ हो गई। जीनी बेटे कल तो यहाँ से भाई आवाज लगा रहा था, बड़ी खतरनाक आवाज से बोल रहा था, लौट जाओ नहीं तो खत्म कर दूंगा वगैरह वगैरह। और आज तो लगता है पहले ही निकल गया पतली गली से, क्योंकि भाई मैं इतने अंदर तक भी आ चुका हूँ, मेरे को कहीं पर भी बंदा दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब वो जा चुका है, मेरी मेहनत बढ़ गई फ्री में यार, अब मेरे को ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ पे बंदा मिल सकता है। भाई मैंने लेस्टर से बात कर ली, मैं शहर में भी पहुंच चुका हूँ, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई भाई, दोनों भाई भाग गए, अलेक्जेंडर भी और अपना प्यारा वो स्टार भी। पहले तो अलेक्जेंडर के हाथ खुल गए भाई चेयर से, फिर वो मेरे गैरेज से बाहर निकला, उसने अपने भाई की लोकेशन ढूंढ ली जिस वाले गैरेज में उसका भाई बंद था। तो इससे पहले भाई वो दोनों कुछ भी रायता फैलाए, उल्टा सीधा दोनों भाई को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि बदला लेना वो जरूर सोचेंगे, इससे पहले वो बदला ले
जल्दी से जाता हूँ भाई गैरेज में, जाकर के रीचेक करता हूँ, देखते हैं यहाँ पर कैसे दोनों बंदे। भाई मैं गैरेज में पहुंच चुका हूँ, सच में भाई यहाँ पर कोई भी नहीं है। इस गैरेज में उसके भाई को मैंने बांध करके रखा था, स्टार को, मतलब कि हमारे ड्राइवर ने बांध करके रखा था, तो फिलहाल यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ से गायब हो चुका है। दूसरे गैरेज में अलेक्जेंडर था, तो मतलब वहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं है, जब ये गायब तो वो भी गायब हो ही गया होगा। फिलहाल लेस्टर से बात करता हूँ, लेस्टर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली तो बता दे भाई, नहीं तो इन दोनों भाइयों को थोड़ा आराम से स्पेशल तरीके से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो जितना दौड़ाएगा वो उतना ही पीटेगा, सीधी सी बात है भाई, जितना थकाएंगे ना उतना पीटेगा मैं दोनों को। भाई मैंने बात कर ली है भाई हमारे लेस्टर से, लेस्टर को पता चल चुका है दोनों भाई फिलहाल अभी कहाँ पर गए। एक भाई सेकंड हैंड कार्स का ऑक्शन चल रहा है, दोनों भाई वहीं पर गए हुए, तो फटाफट से पूछता हूँ भाई इससे पहले दोनों के दोनों भाई भाग जाए, अभी उनका नेता बनाना पड़ेगा मेरे को जाकर के। भाई मैं ऑक्शन पर पहुंच चुका, तो फिलहाल यहीं पर ऑक्शन चलने में लग रहा है, यहाँ पे सारी सारी सेकंड हैंड कार्स है, शायद से चोरी की भी हो सकती है, तो यहीं पर दोनों के दोनों भाई आए हैं, जल्दी से पता कर लेता हूँ। हेलो मेरे प्यारे अलेक्जेंडर पीठे कहाँ पर है फिलहाल उसका भाई कहाँ पर, एक चाचा सामने फोटो लेने में लगा हुआ है। अबे नमूने ये क्या कर रहा है तू भाई, दुनिया गाड़ियों की फोटो ले रही है, मतलब बाकी बंदे गाड़ी की फोटो लेने में लगे, और इसको देखो भाई ये नमूनों का सरदार, तेरे को पूरी दुनिया में यही चीज मिली फोटो लेने के लिए, ये क्या कर क्या रहा है तू भाई, कर क्या रहा है यहाँ पे मेरे को बताएगा जरा। ओ माइकल भाई कुछ नहीं यार, मैं जरा थोड़ा सा देख रहा था ये क्या चीज है, मतलब कौन कर गया ऐसी हरकत, मैं इसका प्रूफ ले रहा हूँ और बाद में उस बंदे के खिलाफ केस करूंगा, ताकि उसको पूछे कि आखिर रोड पे उसका गंदा काम करने की हिम्मत कैसे हुई। वाह मतलब भाई ये इस चीज के ऊपर बंदे को केस में जेल करवाएगा, हद है भाई साहब, मतलब जेल जाएगा कोई इस चीज के लिए, ये नेचर को ले भाई, इसके लिए कोई सजा नहीं मिलने वाली, सच्ची में भाई कमाल का बंदा यार, ऐसे ऐसे नमूने क्यों मिलते हैं मुझे, ऐसे ही मिलने थे क्या, फिलहाल लगा हुआ है देखो यार पूरी दुनिया में सबसे अलग काम वही कर रहा है, बड़ा यूनिक सोच रखता है बंदा, दुनिया भर की गाड़ियों को छोड़ के विंटेज कार्स भी खड़ी है, सारी कार खड़ी है, बट नहीं ना बंदे के तो मजले नहीं, ये है क्या, नहीं भाई ये स्टार नहीं है, कपड़े उसी टाइप के पहन रहा है बिल्कुल, बंदा देख रहे हो आप जैसे भाई उसने बस मास्क उतार दिया अपने बंदर वाला, बट ये वो नहीं है। तो फिलहाल भाई देखो अलेक्जेंडर भी यहाँ पर नहीं है, अगर वो होता तो ये इसको मैं मान भी लेता, बट फिलहाल दोनों भाई यहाँ पर अभी नहीं है, तो बात ऐसी है भाई, अभी जरा मैं निकल जाता हूँ, और ये देखो ये नहीं हटने वाला भाई, पता नहीं कितने फोटो लेगा, अबे 400-500 फोटो लेगा, क्या करेगा इनका। लेस्टर से बात हो चुकी है, एक और बहुत बड़ी गड़बड़ बताई है भाई उसने मेरे को, हमारी फैमिली मेंबर का एक बंदा किडनैप कर लिया उन दोनों भाइयों ने बदला लेने के लिए, तो देखो तो सही भाई मैं तो उनको ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ, इसका मतलब शायद से झूठी इन्फॉर्मेशन लेस्टर के पास किसी ने पहुँचाई होगी कि वो दोनों भाई ऑक्शन में आए हैं यहाँ पे गाड़ी खरीदने के लिए, और वो सीधा पहुँच गए माइकल के घर पे और भाई उठा लिया फैमिली को वहां से, तो फिलहाल अभी सीधा करना पड़ेगा इन दोनों भाइयों को। चलो अभी यार मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे को दूसरे काम के लिए जाना है। लेस्टर के फोन के बाद मेरे पास कुछ पुलिस वाले बंदों को फोन आया, जो कि असली पुलिस वाले हैं भाई, उनको सैम चाहिए, सैम एक बहुत बड़ा हैकर है, उसकी जरूरत पड़ रही है फिलहाल अभी हमें हमारे काम में, तो वो पुलिस वालों को मेरे को देना ही पड़ेगा नहीं तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो फिलहाल भाई मैं ये काम के लिए बोल देता हूँ कि बॉस जल्दी से जाइए, फिलहाल काम हो गया है बहुत खराब। ठीक है भाई मैंने फोन कर दिया अपने बॉस को, बॉस पहुंच जाएंगे फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। फिलहाल अभी मैं निकलता हूँ जल्दी से सैम को ढूंढने के लिए। लेस्टर के हिसाब से सैम मिलेगा एक घर पर जहाँ पर पार्टी हो रही है, तो बंदा वहाँ पर गया है पार्टी करने के लिए, हैकर है भाई देखो, चलो अच्छी बात है यार पार्टी कर रहा है बंदा, पूरा टाइम ऐसे नहीं कंप्यूटर में सर फोड़ने में लगा हुआ जैसे अपना लेस्टर बैठ रहता है भाई सुबह शाम। भाई पार्टी वाले घर पर पहुंच चुका हूँ, तो यही है भाई वो वाला घर, और ये घर मेरे को देख करके याद भी आ रहा है, आपको पता है ये घर कौन सा है, ये घर मैंने गिफ्ट में लिया था, किसके लिए, लेस्टर के लिए, कैटरीना के लिए। फिलहाल कैटरीना भी यहाँ पर शिफ्ट नहीं हुई है, बट ये घर लेस्टर के लिए मैंने कब्जा कर लिया था, तो फिलहाल लगता है यहाँ पे पार्टी किसकी हो रही है। भाई लेस्टर का नमूना तूने पार्टी के लिए दिया, यहाँ पे खुद ही आ गए बंदे फिलहाल, ये देखो गार्ड्स भी यहाँ पे मजे ले रहे। फिलहाल इस गार्ड को क्या हो गया, एक खड़वा एक यहाँ पे बैठा हुआ है, अरे चाचा कैसे क्या हो गया, थक गए क्या, पैरों में दर्द हो रहा है क्या। भाई बंदा फुल इग्नोर कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है ना इसने ज्यादा पी लिया, बेचारा टल्ली हो गया। अरे भाई सस्ते नशे के पुजारी हो भाई, क्या हो गया देख, हाय माइकल पहचान रहेगा, ये इस दुनिया में है ही नहीं भाई, ये पहुंच चुका है दूसरी दुनिया में, फिलहाल इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, ये बंदा तो टल्ली हो चुका है पूरा फुल। लगा रहे भाई लगा रहे अपनी सपनों की दुनिया में, ऐसे ऐसे नमूने मिल रहे हैं भाई सच में, इसको देख लो यहाँ सिक्योरिटी करने के लिए आगे रखा है, और इसको होश ही नहीं है भाई, मतलब इतना ज्यादा कौन पीता है सिक्योरिटी के टाइम पे, और भाई रिट्रीवर पीटी कैसी दिख रहा है फिलहाल भाई, कितना मासूम सा है, ध्यान से देखिए आप इस डॉगी को कितना मासूम लग रहा है दिखने में। वैसे यार अपना डॉगी है उसकी बात ही अलग है यार, उससे ज्यादा क्यूट डॉग मैंने पूरे मतलब लॉस सैंटोस में नहीं देखा, सच में नहीं देखा, उससे ज्यादा क्यूटनेस किसी के पास नहीं है, ये भी अच्छा है, बट भाई उसके आगे कंपेयर मत करना, अपना डॉगी तो अपना ही है भाई सच में, वो तो कुछ अलग ही लेवल का है। ड्राइवर की पसंद काफी अच्छी है इस बात मैंने देख ली है, ड्राइवर अच्छा हुआ उसको भाई लेकर के आया, और यहाँ पर पीछे कुछ पहलवान लगे हुए, तो भाई इनसे पता करता हूँ, अरे पहलवान भैया जी बॉडी बहुत अच्छी बना के रखी है, जरा बताओगे मुझे सैम नाम का हैकर कहाँ पर मिलेगा।
ओ आइए माइकल सर, एक्सरसाइज करेंगे क्या? आज सैम यहाँ पर नहीं है, थोड़ी देर पहले ही था, मैंने उसको देखा था। फिलहाल वो 5 या 10 मिनट पहले यहाँ से निकल गया, बस यही मेरे को पता है, बाकी आप एक बार चेक कर लीजिए। मेरे ख्याल से शायद से चला गया, उसको जल्दी से कहीं पे जाना था। फिलहाल नमूना मेरे को बोल रहा है कि भाई एक्सरसाइज करोगे? नहीं भाई, तू ही कर ले फिलहाल। तो बोल रहा है इसने देखा था 5 या 10 मिनट पहले यहीं पे था, बट फिलहाल अभी ये पक्का नहीं कह सकता, शायद से जा चुका है नहीं गया। तो फिलहाल भाई एक बार और देख लेता हूँ मैं ऊपर की तरफ जा करके। वैसे मेरे को लगता नहीं भाई, जब ये बोल रहा है चला गया तो शायद से वो चला ही गया होगा। कोई बात नहीं, हम उसको पकड़ तो लेंगे, कहाँ तक जाएगा। वैसे भाई वो कोई दुश्मन नहीं है, उसको बस हमें ढूंढ के निकालना है ताकि वो हमारा काम कर सके। तो फिलहाल यहाँ पे सच में ही सैम नहीं है, और फिलहाल पता नहीं पार्टी में क्यों बंदे इतने सारे आ करके रखे। पता करता हूँ लेस्टर से। भाई लेस्टर नमूने, ये क्या ड्रामा है, तेरे घर पे इतने बंदे क्यों आए? मैंने इस घर पे कब्जा करा था, एक बंदे को जलाया था तेरे लिए। भाई साहब ये लेस्टर द नमूना, भाई भाई क्या मैं बोलूँ। हेलो डॉगी बेटे, पूंछ हिला रहा है, ये डॉगी का स्टाइल है, मेरे वाले डॉगी का। तो फिलहाल लेस्टर पता है कैसा बदतमीज है भाई, क्या हरकत करके रखी है। भाई पीछे को मत देख, गर्दन टूट जाएगी। उसने घर को किराए पे दे के रखा हुआ है $1000 पर महीना। कोई बात है यार, ये इतना बड़ा घर ₹1000 के चक्कर में, मतलब $1000 के चक्कर में किराए पे दे दिया यार। ये मतलब वही वाली बात है, आप किसी को मतलब कोई, मैं क्या बोलूँ, बस उसके लिए एग्जांपल ये दिया जाएगा, किसी आप ₹2 वाले बंदे को अगर ₹1000 दिए दोगे ना गिफ्ट, तो भाई उसकी आदतें नहीं बदलती, बंदा बंदा वही रहेगा, तब भी भाई वो उल्टे काम ही करेगा जो पहले किया करता था। फिलहाल पैसे देने से कुछ नहीं होता। ये लो यार, यहाँ पे भी सेम ही रिट्रीवर जो मैं घर पर छोड़कर आया हूँ। तो भाई लेस्टर थोड़ी देर में मेरे को दोबारा से लोकेशन पता करके बताने वाला है सैगर की। जब तक भाई मैं आराम से मजे ले लेता हूँ जिमी के स्कूल में। यार मैंने देखा जिमी के स्कूल में आजकल डॉगी अलाउड हो गई है। भाई फोन आ चुका है मेरे पास लेस्टर का, हैकर मिल चुका है। हैकर भाई अपनी मर्जी से निगाह, कुछ बंदे पार्टी को जबरदस्ती उठा करके ले गए। फिलहाल वो 100 मील पर है, अगर मैं जल्दी से नहीं पहुंचा तो हैकर का पत्ता कुछ ही देर में कटने वाला है। तो ये सैम नाम का हैकर भाई पता नहीं क्यों चाहिए। देखो वैसे हैकर तो अपना लेस्टर भी है, पीटर भी है, निकी भी है, मतलब कुछ कुछ बंदे हैं, और अपनी प्यारी मैरी भी हैकर है। तो फिलहाल बट भाई उनके अलावा भी ये बंदा कुछ ज्यादा अलग चीज जानता है, इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ रही है। नहीं तो हमारी टीम में ऑलरेडी बहुत सारे हैकर्स हैं जो सारा काम कर देते हैं। भाई मैं पहुंच चुका हूँ 100 मील पर, और मुझे लगता है सैम मिल चुका है। सामने एक बंदे को भाई पैरों पे बैठा के रखा हुआ है, और बहुत सारे बंदे एम कर रहे हैं इसके ऊपर। एक आईडिया आया भाई खत्म करने का। ये ले बेटे, कैसी लगी वे, आया मजा, सीधा कर दूंगा सीधा, सोच रही होगा अबे चाचा खतरों के खिलाड़ी। अरे भाई साहब अभी भी दम है, अभी भी दम है, मारोगे इसको। ये लो भाई फिलहाल तो इनका दम निकल गया, कैसे चुपचाप खड़े हुए। कौन है भाई तुम लोग, बंदो मेरे को बताओ तो सही। अबे सैम बेटे टेंशन, मतलब सब कुछ ठीक हो चुका है। किसके मारा, किसको मारा भाई, गोली कौन बजा रहा है यहाँ पे? लग रहा है गोली बजा रहा है भाई। और ये कौन है गोली चलाने वाला, पहले तो इनका टकला फोड़ू मैं, उसके बाद इसका टकला फोड़ूंगा मैं। हेलो भाई क्या हाल चाल है? अरे भाई आंटी है नहीं, अंकल ही है। अरे अंकल जी कैसे हो, बड़े बहादुर बन रहे हो, पेट में गोली मारूंगा, छेद कर दूंगा। ये लो निकला खाना, नहीं निकला। अरे भाई पेट में छेद हो गया तब भी नहीं माला। ये ले एक और भाई, लो कैप तो उतर गया, बंदे में दम है भाई, अभी भी दम है बंदे। भाई लगभग सारे खत्म, ये आखिरी बंदा था। अरे चाचा जी गिर क्यों गए, एक गोली खत्म नहीं था, मैं अभी मर जाओगे। ये ले बेटे, ओके भाई चाचा जी का एंड कर दिया है। तो सैम भैया हमारे खड़े भी हो चुके। सैम भाई यार आप हो सैम भैया? अरे भाई सैम तो बड़ा ही खाता पीता है, मतलब कि मेरे को लगता है एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि पूरा दिन कंप्यूटर बैठता है भाई, थोड़ा सा रनिंग कर लिया कर, क्यों अपनी सेहत खराब कर रहा है हैकिंग के चक्कर में। फिलहाल देख सैम कुछ बंदे अभी तेरे पास आएंगे थोड़ी देर में, ठीक है मैं फोन कर देता हूँ उनके साथ, चुपचाप चले जाना, नहीं तो मैं तेरे को मारूंगा। तो कोई बचाने वाला आने वाला नहीं है, मेरे को तेरी जरूरत है बहुत ज्यादा, कुछ चीज हैक करवानी है। भाई मैंने लेस्टर को फोन कर दिया, थोड़ी देर में बंदे लेकर के यहाँ पे पहुंचने वाला। सैम भी मान चुका है, बोल रहा है ठीक है माइकल सर मैं कहीं पे नहीं जाने वाला, यहीं पर रहूंगा। तो फिलहाल चलिए भाई बंदा मिल चुका है, और अभी लेस्टर से पहले बातें करी तो एक छोटी सी प्रॉब्लम और है। एक ऑफिसर है भाई जो बड़ा ही ढीठ बंदा है, उसको मुझे खत्म करना पड़ेगा। पहले मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवानी पड़ेगी, वो करंट लोकेशन उसकी कहाँ पे, क्योंकि अगर मैंने उस ऑफिसर को नहीं मारा तब भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा सारा भाई प्लान A to Z 0 वेस्ट हो जाएगा। इसलिए जा करके उस ऑफिसर को मारना पड़ेगा, ऑफिसर का नाम भी पूरा इन्फॉर्मेशन अभी लेस्टर देने ही वाला है। भाई पहुंच चुका हूँ पुलिस स्टेशन, तो फिलहाल चलिए भाई बंदों से बातें कर लेते हैं। फिलहाल देखते भाई, चलिए पुलिस वाले, वाह इनका सुहैग लेवल देख रहे हो। अबे पुलिस स्टेशन में टीवी लगा के रखा है, मैं से यहाँ पे कौन सा T20 देखने में लगे तुम, वाह अलग लेवल। ये बंद टीवी को खड़े होकर के देखने में लगे हुए, अबे तुम लोग भी नमूने क्यों बन रहे हो भाई? पुलिस वाले बंदे हो, मैं तुम्हें नमूने में नहीं लगाऊंगा, बट तुम वैसे हो, डिजर्व करते हो, तुम नमूने बनने वाले हो। तुम टीवी बंद है, तीनों बंदे यहाँ पे खड़े होकर भाई क्या करके आ रहे, लैपटॉप चालू है, लैपटॉप भी बंद है। अब सही है भाई, ये तो जादू वाले बंदे हैं, सपनों में देख लेते हैं चीजों को। तो फिलहाल ऑफिसर मेरे को जरा से बताओगे
ये जीमी नाम का बंदा कहाँ पे मिलेगा? उस ऑफिसर का नाम जीमी है भाई, पता कर लेते हैं। अच्छा माइकल सर, आप जीमी के बारे में पूछ रहे हो? जीमी सर तो अपने मेंशन में मिलेंगे, पता नहीं जीमी सर के पास अचानक से इतने पैसे कहाँ से आए। हमने पूछा तो बोले लॉटरी लगी उनकी। आजकल लोग ऐसे भी कसीनो में जाते रहते, तो कसीनो में जीत गए वहाँ पे जाकर के काफी पैसा, इसलिए उन्होंने अपने लिए बहुत बड़ा मेंशन लिया है। फिलहाल अभी आपको वहीं पर मिलेंगे। वाओ, तो फिलहाल इनको बोला है लॉटरी में जीता है डायमंड कैसीनो में जाकर के पैसा। सच्ची में भाई फ्रॉड करके इसने इतना पैसा बनाया है, सारा का सारा गंदे बंदों के साथ में रह करके काम करता है पुलिस वालों के लिए। बट नहीं भाई, दिखावट का काम है वो, असली काम तो दूसरे बंदों के लिए करता है। तभी तो मेंशन ले लिया, और ये बेचारे ईमानदार बंदे सोच रहे हैं उसकी लॉटरी लग गई। ऐसे कैसे लग गई लॉटरी, पहुंचते जल्दी से। भाई मैं पहुंच चुका हूँ पुलिस वाले के मेंशन में यार, एक नंबर का मेंशन बना करके रखा है बंदे ने। गाड़ियां भी काफी है फिलहाल, देख रहे हो भाई मजे तो यही बंदा ले रहा है, दुनिया के मजे तो खट्टे में ही है। सही बात है, असली मजे ले रहा है। गाड़ी का कलेक्शन बना के रखा है, अपना खुद का गैरेज है, खुल जाए सेम सेम, तीन तीन गेट लगा के रखे हैं ताकि एक गेट से गाड़ी ना निकल सके, दूसरे को काम मिले, दूसरे से निकले तीसरे को काम मिले, तीन तीन। भाई सही है सही है, स्वैग लेवल बढ़ते जा रहा है इस बंदे का। तो फिलहाल भाई ये मैंने सोचा काफी लंबा जा सकता हूँ मैं, बट यहाँ पे शीशे लगा करके रखा है नमूने, इसे क्या जरूरत पड़ी थी, चलो यहाँ से ओपन करके रखा है। तो फिलहाल भाई सच में व्हाट अ मेंशन भाई, सच में अमेजिंग है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ से सीधा बोट लेकर के इधर से निकल जाओ तो सीधा शहर के बाहर आप रेसिंग करने के लिए जा सकते हो आराम से। पानी वाला मतलब पानी के ऊपर घर है यार, बट देखो थोड़ा नुकसान भी है, बारिश ज्यादा हो गई तो इसके घर में पानी घुस जाएगा किसी दिन, क्योंकि पानी का बहाव थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाएगा बारिश की वजह से। फिलहाल चलो वो इसकी टेंशन है, वैसे अभी हमारी टेंशन है यार, क्योंकि ये घर मैं लेने वाला हूँ, ये तो मरने वाला है सीधी सी बात है। मैं यहाँ पे पुलिस वाले को मारने के लिए आया हूँ। हेलो चाचा जी कहाँ पर हो, फिर ग्रैनी वाला डायलॉग, वेयर आर यू, यू वन प्ले हाइड एंड सीक, आजा भैया आजा, छुपम छुपाई खेल रहा है क्या मेरे प्यारे पुलिस वाले बंदे, कहाँ पर है? तो भाई सामने वाला रूम कौन सा है, अंदर की तरफ चलते, क्या पता इसमें हो। वाह इसमें ही है वॉशरूम, है ये क्या कर रहा है भाई, आजा। बेचारा बहुत परेशान है, बाबा का चूरन इसको भी देना पड़ेगा। मेरे प्यारे ऑफिसर कैसा है रे भाई, काम हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है, बट ये समझ नहीं आ रहा है नमूनों का सरदार कहाँ पे बैठा हुआ है। अबे फ्लोर पे ही करना था तो इसको लगाने की क्यों तूने तकलीफ कर दी, ये सीट को मत लगवाता भाई, सच्ची में खड़ा हो जा भाई खड़ा हो जा, ये तो कुछ ज्यादा ही परेशान है। माइकल इसके पास है, इसके साइड में घूम भी रहा है, मतलब ही नहीं है भाई इसको, ये तो बहुत परेशान है बेचारा। अरे रे रे, ये तो अपने पेट के दर्द से ही मर जाएगा, मेरे को मारने की जरूरत ही नहीं है। माइकल यहाँ पे क्या करने के लिए आए, चुपचाप मेरे घर से बाहर निकलो, लगता है तुम्हारा इलाज भी कराना ही पड़ेगा, जैसे तुम्हारे दोस्त ट्रेवर का करवाया है, सुधरोगे नहीं तुम भी, चलो यहाँ से बाहर निकलो। एटीट्यूड, मैं सच में इसको छोड़ना सोच रहा था, मैंने सोचा कि चलो पेट के दर्द से ही मर जाएगा, मैं नहीं मारूंगा, बट ये भाई उस टाइप के बंदे होते हैं, चाहे इनकी खुद की जान निकल रही हो, बट ये एटीट्यूड दिखाएंगे, ये एटीट्यूड दिखाएंगे हमें, ये ले बेटे अभी तेरे को दर्द से छुटकारा दिला दिया मैंने। तो चलिए भाई मेरे सारे काम पूरे लगभग हो चुके हैं, अभी थोड़ा करना है बस मेरे को वेट, और उसके बाद आएगा मेरे पास फोन, और उसके बाद जाना है मेरे को जगहों पर, ताकि देखे भाई अभी हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ है नहीं हुआ। वैसे घर काफी अच्छा है भाई, रास्ते कहीं से भी निकल जाते हैं। भाई थोड़ी देर हो चुकी है और बॉस का फोन आ चुका है, सारे काम पूरे हो गए हैं, हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल रही, ए टू जेड हर एक चीज मिल चुकी है, जो चाहा था वो भी, जो नहीं चाहा था वो भी। तो फिलहाल चलिए भाई जल्दी से चलता हूँ, जगह पे फोन आ चुका है, अभी आने वाला है मजा। भाई मैं पहुंच चुका हूँ जगह पर, तो फिलहाल यही जगह मेरे को बताई गई थी, और फिलहाल भाई मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया यार, बॉस की तो बात ही कुछ अलग है। तो फिलहाल भाई अपने मुकेम्बो फूफा जी सामने खड़े, और मुकेम्बो भाई कैसे हो, कैसा चल रहा है सब कुछ? तो फिलहाल अपने टीम के पास नहीं गए आज, तो चलो लगता है शायद से बॉस ने बुलाया होगा। और भाई जी कैसे हो? तो फिलहाल भाई सामने जरा नजारा देखो तो सही, मैंने अभी तक तो देखा भी नहीं नजारा। ओके भाई ये रहा चाचा चमन, तो ये है शायद बड़ा भाई, और ये उसका बड़ा भाई, और ये इससे बड़ा भाई, और ये उसका बड़ा भाई, और ये भाई कितने हैं, ये एक जैसे कितने हो गए टोटल भाई, एक दो तीन चार पांच बंदे, इसका मतलब ये पांचों अंडरवर्ल्ड माफिया के हैं। ये भाई है, एक जैसे दिखने वाले बंदे हैं, या फिर एक जैसा आउटफिट पहनते हैं, ये तो कमाल की बात हो गई। फिलहाल भाई वेट कर लेते हैं। अरे मुकेम्बो भैया बॉस कहाँ है यार, बॉस नहीं आएगा अभी तक? अरे माइकल बस आने वाले, फोन मेरे को भी करके रखा है, मैं भी थोड़ा वेट ही कर रहा हूँ, थोड़ा वेट कर ले भाई, कुछ ही देर में आने वाले होंगे, चलती है मैं। फिलहाल भाई थोड़ा वेट कर लेते हैं बॉस के आने का, उसके बाद सारे किस्से वही बताने वाले हैं, तो भाई थोड़ा वेट कर लेते हैं फटाफट से। भाई
भाई एंट्री कैसी लगी भाई हमारे प्यारे बॉस की? बॉस ये भाई सबका ये कमाल है यार। हेलो माइकल बेटे, क्या हाल चाल है? मजा उठा दिया भाई, सच में डेविल है एक नंबर का, इससे खतरनाक बंदा कोई हो ही नहीं सकता लॉस सैंटोस में, बात ही खत्म। फिलहाल यहाँ पर चार चार नमूने बंद के रखे हुए हैं, सारी बातें बताऊंगा मैं कैसे क्या यहाँ पे चल रहा है। और भाई माइकल कैसा रहा सारा काम, कोई परेशानी तो नहीं होगी? कैसे यार हम जो थे इसके साथ में, मुकेम्बो भैया थैंक यू यार सपोर्ट करने के लिए। वैसे यार तुम बड़े कमाल के बंदे हो, कभी भी आ जाते हो हमारी हेल्प करने के लिए। तो ये है वो सारे के सारे नमूने, ये अंडरवर्ल्ड माफिया के भाई कौन है हमारा प्यार ड्राइवर, अभी सारी कुंडली बताएगा इन सभी की। तो फिलहाल भाई बहुत ज़्यादा लंबा काम करके रखा है इन्होंने, काफ़ी बंदे थे भाई, कुछ मैंने मार दिए कुछ ये रहे, इसके बाद अंडरवर्ल्ड माफिया पूरी एंड हो जाएगी। वैसे भी एंड मैंने कर दी है भाई, इधर से बंदे बचे हुए हैं, एंड तो ये हो गई थी कुछ देर पहले ही। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं भाई हमने सारा ड्रामा क्यों करा, मतलब कि ट्रेवर भाई जब गया वो कहाँ पर गया वगैरह वगैरह, तो जब इसको पकड़ के ले गए थे अंडरवर्ल्ड माफिया ये कहाँ पे था क्यों था। तो फिलहाल भाई वो सारी चीज़ें अभी ये बताता हूँ। आपको याद होगा जब भाई मेरे को फ़ोन करा था हमारे प्यारे अलेक्जेंडर ने और बोला था मंगल में तुझसे मिलना चाहता हूँ आ जा, वहाँ पर मैंने नकली बॉडी भेजी, फिर मेरे को पता चला भाई उसकी मतलब लेस्टर का फ़ोन आया, पता चला सबमरीन में सारे के सारे बंदे हैं बात करने के लिए गए हैं, तब भी मैंने नकली बॉडी भेजी थी भाई। ट्रेवर बहुत लंबी पिक्चर है, मेरे को तब भी शक हो गया था क्योंकि लेस्टर ने बोला था मेरे को, पहले ही लेस्टर ने कैमराज को हैक कर लिया था, मैंने आपको ये बात झूठ बोली थी, लेस्टर ने पहले ही कैमराज को हैक कर लिया था। तो उसने हैक करने के बाद देखा था कि सबमरीन में कोई भी बंदा नहीं है, ट्रेवर फिर डील किस चीज़ की चल रही है, तो मेरा दिमाग खिसका, मैंने सोचा यार क्यों ना वहाँ पर प्लानिंग चल रही है एक और बॉडी भेजी जाए, वहाँ पर बॉडी फिर मैंने भेजी, तो वो बंदे उस बॉडी के चक्कर में बिजी हो गए, बात खत्म। फिर मैंने तब भी वहीं से एकदम प्लान बनाया, मैंने माइकल को फोन करके बोला माइकल अपना ड्रामा शुरू कर, ऐसे दिखा के जैसे मैं असलियत में किडनैप हो चुका हूँ। तो माइकल ने भाई सारा काम ऐसे ही करना शुरू कर दिया जैसे मैंने इसको बोला, हर एक काम इसने वही करा। मैंने इसको ऐसा करने के लिए क्यों बोला, ताकि ये सारे बंदे डाइवर्ट हो जाए, इनका ध्यान असली ड्राइवर से हट जाए और असली ड्राइवर अलग ही गुल खिलाए। तो फिलहाल भाई फिर मैंने पता लगाया इन सभी कंट्रोल माफिया का, ये ले बेटे शेफर्ड कैसे है रे अपना ज्यादा अच्छा है। तो फिलहाल मैंने ये पता लगाया कि सारी की सारी माफिया अपना पैसा कहाँ पे रखती है, पूरा एक दिन लगा मेरे को पता लगाने में। मैंने पीटर से हैकिंग करवा के रखी थी बेचारे से, उसने ढूंढ के निकाल दिया, उसने देखा भाई एक बैंक अकाउंट है जो कि लॉस सैंटोस में नहीं है, वो अलग कंट्री में है जहाँ पर इनका सारा पैसा रखा जाता है बड़ी ही सिक्योर तरीके से। तो मैंने प्लान बनाया कि क्यों ना भाई हम उस सारे पैसे को उड़ा लेते हैं, उस पैसे को हैक करेंगे, ताकि जब पैसा हमें मिल जाएगा तो अंडरवर्ल्ड माफिया खुद ही जीरो हो जाएगी। सीधी सी बात है भाई, कोई माफिया पैसों से ही माफिया बनती है, अगर किसी माफिया के पैसा आप छीन लो ना जीरो छोड़ दो तो वो रोड पर आ जाएगी, फिर वो कुछ नहीं कर सकती, सीधी सी बात है बिना पैसे कोई कुछ नहीं कर सकता। तब मैंने यही प्लान बनाया, बट भाई पीटर के हिसाब से है कि कम से कम 2 या 3 दिन में होगी, इतना खतरनाक वो बैंक अकाउंट था, इसलिए भाई फिर मेरे को कम से कम 2-3 दिन का टाइम लगने वाला था सारी चीज़ करने में, और 2-3 दिन तक अगर उनको बेवकूफ़ बनाना था तो थोड़ा मेरे को काम फिर बढ़ाना पड़ा। इसलिए फिर भाई मैंने जिन का ड्रामा करा, आपको याद है वो जिन वाला ड्रामा, वो भी मैंने ही करा। पहले ट्रेवर की नकली बॉडी अंडरवर्ल्ड माफिया के पास थी, फिर मैंने उनके पास झूठी मूठी खबर पूछवा दी अपने एक बंदे से कि ट्रेवर का सबसे बड़ा दुश्मन है एक जिन जिसको ट्रेवर ने मारा था काफी टाइम पहले, वो जिन जिंदा हो चुका है तो क्यों ना ट्रेवर को उसके पास छोड़ दो। तो उन नमूनों को मेरा प्लान पसंद आया, उन नमूनों ने भाई मेरा नकली सेटअप जो पिरामिड का मैंने बनवाया था नकली जिन के साथ, ट्रेवर की नकली बॉडी के वहां पे छोड़ करके आ गए, और फिर भाई उनको मेरी बातों पर विश्वास भी हो गया कि सच में एक जिन है वगैरह वगैरह, जो कि सारी बात झूठी है भाई, वो मैंने सब झूठ बना के रखा था, A to Z बंदे मेरी झूठी बातों में आ गए, उन्होंने सच में मान लिया कि सच में जिन ड्राइवर को मारना चाहता है, बल्कि वो कुछ नहीं था, वो मेरा ही बेवकूफ़ बनाने का प्लान था ताकि बंदे डाइवर्ट रहे और उस काम को करते रहे। एक पॉइंट तो ये, दूसरा पॉइंट भाई फिर आपको पता चला होगा कि भाई जिमी को मारने के लिए मतलब बाबा ने बोला अपनी प्यारी चीज़ का त्याग दो, वो पता है हमने क्यों बनाया, क्योंकि आपको याद है भाई अंडरवर्ल्ड माफिया को पार्टी दी गई थी, हमारे प्यारे माइकल ने पार्टी दी थी ताकि वो हमारा भी प्लान का हिस्सा था, पार्टी हमने दी ताकि उनसे सच निकलवा सके ट्रेवर के बारे में, वो तो हमें पता था ट्रेवर है कहाँ पे, बट उनके लिए तो हमें दिखाना पड़ेगा ना कि ट्रेवर हमें नहीं पता कहाँ पर है, तो ये सारा काम फिर हमने भाई करा। तो उससे करने के बाद एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो गई, बंदे थोड़ा गुस्सा हो गए, तो उन्होंने भाई फैसला करा कि हम जिमी को मारेंगे, ये बात हमें पता चल गई। तो इससे पहले भाई वो जिमी को मारते, मैंने माइकल को आइडिया दिया कि बेटे एक ऐसी बहाना निकाल और ऐसी चीज़ निकाल जिससे तो जिमी को खुद मार दो और किसी को शक भी ना हो। फिर हमने बाबा से बात खिलवाई कि अपनी प्यारी चीज़ का त्याग दो, और फिर हमने प्लान के चलते ही जिमी को जान से मार दिया, ड्रामा कर दिया, मतलब उसकी नकली बॉडी को मरवा दिया ट्रेन से क्रैश करवा के, ताकि बंदे सोचे हमने जिमी की बलि दे दी और फिर वो जिमी का पीछे छोड़ देंगे, सीधी सी बात है उनकी नज़रों में जिमी मर गया। तो ये था टोटल रायता। तो फिलहाल आज की बात करते हैं, ये तो चीज़ हो चुकी है, अब करता हूँ भाई मैं आपके आज की बात कि आज क्या प्रॉब्लम हुई है भाई। आज प्रॉब्लम ये हुई है कि फिलहाल तो भाई हमारा प्लान सब कुछ चल ही रहा था जब तक भाई हैकिंग नहीं हो पाती, तो फिलहाल मेरे को सारी चीज़ें पता चल गई। लास्ट में हैकिंग में भाई कुछ अलग ही प्रोग्रामिंग करनी थी,
जो कि सैम नाम का बंदा ही जानता था, इसलिए भाई उसको बुलवाना पड़ा। फिर भाई प्रॉब्लम पता है क्या हो गई है, वो मेरे प्लान में नहीं थी ना ही हमारे प्लान में थी। अलेक्जेंडर भाग गया अपने भाई को लेकर के, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई जो कि हमारे प्लान में नहीं थी। और फिर उन्होंने एक काम ये और गलत कर दिया, जिमी को किडनैप कर लिया। उनको पता था असली जिमी कहाँ पर है, बोला था ना माइकल की फैमिली का मेंबर किडनैप हो चुका है। फिर माइकल ने बॉस को फ़ोन करा, उसने ट्रेवर को फ़ोन करा था, तो फिर मैंने बोला माइकल को तू टेंशन ना ले, जिमी को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। तो फिलहाल भाई अभी थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं, बातें काफ़ी हो गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेवर ने क्या क्या करा जिमी को बचाने के लिए और अलेक्जेंडर के और उसके भाई के साथ क्या हुआ। फिलहाल ये आज ही की बात है सारी, क्योंकि पास्ट वाली चीज़ मैंने आपको सारी बता दी। ट्रेवर ने कैसे कैसे सारा काम करा, अरेंजमेंट करा, वो तो आप बाकी समझ ही गए होंगे भाई। वो सब कुछ हैकिंग करने के लिए था, ताकि वो बंदे डाइवर्ट रहे जिनके चक्कर में, ट्रेवर के चक्कर में और माइकल के चक्कर में, और मैं अंदर अंदर उनको लूट के रख दूँ ताकि ये सारे परेशान हो जाए। इन तक भी बात आएगी। फिलहाल फ्लैशबैक देखते हैं कि आखिर अलेक्जेंडर और भाई उसका भाई स्टार जिमी को कहां पे ले गए, उसको बचाना काफी जरूरी था। भाई मैं पहुंच चुका हूं जगह पर। फिलहाल भाई मैं आया हूं एक जगह पर जिमी को बचाने के लिए। स्टार का बेस आपको याद ही होगा, अलेक्जेंडर के भाई का ही बेस है, तो शायद यहां पर भाई बंद करके रखा हो, हमारे जिमी को चेक कर लेते। तो फिलहाल भाई यहां पर हसमुख चाचा खड़े हुए हैं, ये बदतमीज हर जगह मिल जाता है आजकल तो देखने को। फिलहाल हेलो मेरे हसमुख बेटे, कैसा है? अरे भाई साहब मेरे को मारेगा, इतना दम आ गया। अरे यार सच में तेरी हंसी के ऊपर बस मैं क्या बताऊं, पूरा लॉस सेंटोस ही परेशान है तुझसे। बता ले कष्ट करेगा, जिमी कहाँ पर है, कहाँ पे ले गए उसको दोनों के दोनों भाई? ट्रेवर भाई अब जिंदा है, आप तो मर गए थे ना। हाँ दे भाई, अरे चाचा मर गए ट्रेवर को मारने वाले, फटाफट बता कहाँ पर जिमी मिलेगा, नहीं तो सभी को मारूंगा। ट्रेवर सर अगर आप जिंदा है तो प्लीज सॉरी माफ कर दीजिएगा, बट आपको मारना पड़ेगा क्योंकि बॉस के ऑर्डर से ट्रेवर अगर कहीं पर भी दिखे गोली मार देना जब तक वो ना मरे, तो फिलहाल आपको मारना पड़ेगा। बड़ा बदतमीज चाचा यार, मेरे को बता करके बोल रहा है कि मैं आपके ऊपर गोली चलाने वाला हूँ। हाँ दे भाई ऐसे ऐसे नमूने होते हैं सच में। फिलहाल एक तो इन्होंने इतना परेशान करके रखा हुआ है भाई, आपको पता ही है अंडरवर्ल्ड माफिया पूरे शहर में फैली हुई है, तो इसी चक्कर में मैंने मुकेम्बो को फोन करके बुला के रखा है ताकि माइकल की हेल्प हो जाए। अगर माइकल प्रॉब्लम में हो तो भाई उसकी हेल्प बार बार आकर के KGF करती रहे। तो भाई जैसे कि आपने देखा ही था KGF ने भाई कितनी हेल्प करी हमारे प्यारे माइकल की, कुछ जगह बंदों ने हमला करके रखा था फिर माइकल के लिए, ग्रीन गैंग वाले बंदे वहां पर गए थे जो कि KGF के बंदे हैं, मतलब कि KGF भाई मैंने ही बुला के रखे शहर में, नहीं तो मुकेम्बो ऐसे तो नहीं आता। फिलहाल माइकल को मुकेम्बो बोलता है कि यार तुमने बुलाया और मैं चलाया, बिना फोन करे मुकेम्बो आ गया था भाई, आपको याद ही होगा। तो वो फोन मैंने करा था, माइकल ने नहीं करा था, क्योंकि मेरे को पता था अंडरवर्ल्ड माफिया से अकेला माइकल नहीं लड़ सकता, इसलिए उसको किसी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए KGF भाई अभी तक उसकी हेल्प कर रही है मेरे कहने पर यहाँ पे, क्योंकि सीधी सी बात है भाई अंडरवर्ल्ड माफिया थोड़ी ज्यादा खतरनाक है। बट कोई बात नहीं, ट्रेवर नेता बना देगा। भाई कहाँ जा रहा है बेटे, गोली तो खा ले। तो फिलहाल भाई अरे भाई साहब ये मानेगा नहीं, ये ले चाचा जी गोली खाओ फ्री में, आपके चाचा हसमुख चाचा तो फटे पड़े हुए हैं यहाँ पर, कहाँ पे पड़ा है बे नमूने। तो फिलहाल यार मेरे को बोल रहा है कि मैं आपको मारूंगा, तो फिलहाल यार इनके पास डिटेल्स नहीं है कहाँ पे दोनों के दोनों भाई गए हुए हैं। चलो यार ज्यादा टाइम खराब करने कोई फायदा नहीं, सभी को मारने से मेरे कुछ नहीं मिलने वाला। फिलहाल यहाँ से निकल जाता हूँ फटाफट से, चल मेरे ड्रोन बॉक्स। और बाइक फर्स्ट पर्सन में चलानी बड़ी अजीब सी होती है, देखो पूरा कैमरा ऐसे हिल जाता है, बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है, बट वैसे आदत की बात होती है। मैं फर्स्ट पर्सन में बाइक काफी कम चलाता हूँ इसलिए थोड़ी आदत कम है, धीरे धीरे चलाने लगूंगा तो उसकी भी आदत पड़ जाएगी। सच ही बात है भाई, प्रैक्टिस वाली बात है, बस आपको बताइए प्रैक्टिस धीरे धीरे हो जाएगी सही हो जाएगी। वैसे सही है यार, आराम से हो गई प्रैक्टिस, तो इतनी हार्ड भी नहीं है, सिंपल ही है। ओके तो फिलहाल भाई अभी जल्दी से फोन कर लेते हैं लेसर को, जल्दी से फोन करता हूँ। मेरे प्यारे चाचा जी जल्दी से बता कहाँ पर दोनों भाई मिलेंगे, इससे पहले जिमी को दोनों काटते गुस्से में, क्योंकि मुझसे बहुत गुस्सा होकर के रखे हैं। लोकेशन पता चल चुकी है दोनों भाई कहाँ पर और जिमी कहाँ पर है, फटाफट से पहुंचता हूँ भाई, लेट बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि गड़बड़ हो सकती है। बंदे काफी है, लेसर ने कैमराज में चेक करके बताया कि बहुत सारे बंदे हैं, जल्दी पहुंच ट्रेवर, नहीं तो जिमी पहुंच जाएगा ऊपर की टिकट कट जाएगी उसकी, जल्दी जा जल्दी। भाई मैं जगह पर पहुंच चुका हूँ, तो देख रहे हो भाई कितने बंदे खड़े करके रखे अलेक्जेंडर ने और उसके भाई ने मेरे को मारने के लिए। सच्ची में यार मिनी गन निकाल के रखे, तो फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करते, मारूंगा मैं सभी को। ये ले बेटे कहाँ पर है दोनों भाई, जल्दी से बाहर निकाल के लाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है कि अंडरवर्ल्ड माफिया हमारी मेन चीज है, ये तो फ्री में साइड वाला काम है भाई जिसको पूरा करने के लिए आए। ओके भाई दोनों बंदे यहाँ पे खड़े हुए भाई, एटीट्यूड लेवल दे रहे हो अलेक्जेंडर का, मैंने यहाँ पे इसके सारे बंदे खत्म कर दिए। जी बेटे वहीं पे खड़े रहना, क्योंकि अगर गोली लग गई तो तेरा नेता बन जाएगा, हिलना मत बिल्कुल भी। तो फिलहाल ये ले बेटे, ये ले जल्दी जल्दी, मतलब यार दोनों भाई भागे नहीं है, डर नहीं रहे बिल्कुल भी, ऐसे ही खड़े हुए हैं। एटीट्यूड तो बहुत ज्यादा है इन दोनों भाइयों को, मैंने इनको हल्के में लेके गलती तो नहीं करी ना। ये ले बेटे कैसे भाग रहा है, बहुत बेटे का चाचा तू भी खत्म। अलेक्जेंडर तेरे को दोस्त बनाया था बेटे, मंगल बन के रहता तेरी नजरों में हमेशा, कभी तेरे को पता नहीं चलने देता मैं, बट तूने फ्री में ही अपने इस नमूने भाई के लिए मेरे को धोखा दिया, जो कि तेरा भाई है ही नहीं बेवकूफ। तेरे को कैसे पता चला कि ये तेरा भाई है? गैरिस से तूने इसको भगाया है ना, माइकल को नहीं पता था ये असली है कि नकली, ये नकली है बेटे। ड्राइवर मैं सब जानता तुम्हारे बारे में, तुम मेरे से माइंड की ट्रिक खेल रहे हो,
तुम मेरे को बेवकूफ बना रहे हो ताकि मैं इस पर शक करूं और फिर इसको मार दूं वगैरह वगैरह। तुम बेवकूफ बना रहे हो ना मुझे, मेरे को सब पता है। अरे बेटे तेरे को कुछ नहीं पता है, ड्राइवर सच बोल रहा है, तेरे को पता नहीं है, तेरा असली भाई पता नहीं तेरे को वहां पर है। अभी फोन करता हूँ मेरे बंदे को, देख तेरे असली भाई को गैरेज से लेकर के आएंगे। ये नकली चमन है बेटे, मेरा बंदा है, तेरे को खुद ही मार देता अगर मैं फोन कर देता। बट मैं तेरे को अच्छे से समझा रहा हूँ यार अलेक्जेंडर, ऐसा मत कर प्लीज, हम दोनों दोस्त है, इसलिए मैंने अभी तक इसको ऑर्डर नहीं दिए तेरे को मारने के, बट तो समझता ही नहीं है। तो भाई फिलहाल लेस्टर के बंदे इसके भाई को छोड़ करके चले गए, फिलहाल मैंने बोल दिया तुम यहाँ पर मत रुको। तो अलेक्जेंडर देख, ये है तेरा असली भाई, ये नकली है, ये तेरे को मारने के लिए मैंने भेजा था, समझता नहीं है फिलहाल। अलेक्जेंडर का तो सर में दर्द हो गया बेचारे का, क्योंकि भाई बस काम ही कुछ ऐसा चल रहा है, आप देख लो तभी समझ पाओगे। अलेक्जेंडर देख, मैं तेरा भाई हूँ, ये झूठ बोल रहा है ट्रेवर, जो मैं तेरे पहले से साथ था ना, मैं ही तेरा असली भाई हूँ, इसने अबकी बार दूसरा फेक बंदा बुलाया है। अलेक्जेंडर नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैं जो अभी लास्ट में आया हूँ ना, मैं तेरा भाई हूँ, तो मेरी बात सुन, ये झूठ बोल रहा है। देख ये तेरा भाई नहीं है, सच में ही तेरे को मारने वाला था, ट्रेवर ने इसको तेरे को मारने के लिए भेजा था, ये तेरा भाई नहीं है। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, मेरे सर में दर्द हो चुका है, मेरे को पता है मेरा भाई कौन है, मैं सब समझता हूँ, और अभी मैं दिखाता हूँ ट्रेवर को कि मैं जानता हूँ मेरा भाई कौन है। भाई अलेक्जेंडर ने ना गन पॉइंट कर ली भाई किसी बंदे के ऊपर, अब देखते हैं किसको मारने वाला। फिलहाल देखते हैं भाई असली भाई को इसने पहचाना है नहीं पहचाना, अभी पता चल जाएगा, इतना भाई भाई करता है ये, किसको मारने वाला है भाई। नमूने सोच समझ के मारना, क्योंकि तेरा फैसला जिंदगी भर दुख देगा। बन गया पोपट। अरे भैया अलेक्जेंडर तुम्हारी बुद्धि तो कतई घुटनों में है तुम्हारे भाई, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। अरे भाई बस कंट्रोल। अरे क्या कर दिया अलेक्जेंडर, तूने अपना भाई मार दिया बदतमीज। ड्राइवर देख तू गलत बोल रहा है ना, मेरा भाई ये जो सामने खड़ा हुआ है, देख मैंने अपने भाई को नहीं मारा। अब क्या बोले यार, इसको अपने भाई को ही मार दिया, सच्ची है तूने अपना भाई मार दिया, ये मेरा नमूना जो मैंने बाद में बुलाया था। अबे वो सच बोल रहा था, जिसको तू पहले छुड़ा के लाया था वही तेरा असली भाई था नमूने, तूने अपना भाई मार दिया बदतमीज मेरी बातों में आकर के। ड्राइवर से पंगा लेगा तो यही होगा समझा, ड्राइवर पागल बनाता है लोगों का, तू क्या सोचता है, तेरे में बहुत अकल है, तूने मेरे को पागल बनाया, अबे मर गए ड्राइवर को मारने वाले समझा। भैया मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इस ड्राइवर ने मेरे को कंफ्यूज कर दिया था भैया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज भैया खड़े हो जाओ, मुझे छोड़कर बचाओ, मैं आपके बिना जी नहीं सकता भैया, प्लीज भैया। काफी इमोशनल हो रहा है भाई बंदा, क्या कर सकते है भाई, हमारी फैमिली से पंगा लिया है, हमसे पंगा लिया है, तो देखो भाई अभी जाना तो इसको पड़ेगा ही। मैंने देखो किसको नहीं मारा, मैंने इसको ऑप्शन दिया था, मैंने इसको कंफ्यूज करा, मैं इसको भी नहीं मारूंगा, ये खुद मरेगा अपने आप, मेरे को पता है, क्योंकि अपने भैया से बहुत प्यार करता है, ये मेरी प्लानिंग है भाई, क्योंकि मेरे को पता ही था इन दोनों भाइयों को ऐसे ही मेरे को मरवाना पड़ेगा। मैं अलेक्जेंडर को कभी से मारना सोच ही नहीं रहा था, मैंने आपको पहले से बोला था मैं इन दोनों को नहीं मारता, तो फिर मैं अलेक्जेंडर कुछ ज्यादा एटीट्यूड में था, इसी ने जानबूझ के मेरे को किडनैप करवाने की प्लानिंग बनवाई दुश्मनों के साथ मिल करके, और अपने भाई जो वही वाली बात है, इसने जो फसल वो ये ना इसको खुद ही काटनी पड़ेगी, अपने हाथों से अपना भाई मार दिया, और देखते हैं अब इसके साथ क्या होने वाला है। फिलहाल रोने से कुछ नहीं होगा अलेक्जेंडर बेटे, जो हम खुद काम करते हैं ना वही हमारी किस्मत होती है, मतलब कि भाई हम अपने कर्मों को ही खुद आगे पाते हैं, तो फिलहाल जैसे कर्म करेगा ऐसे ही भरेगा, वेट करते देखते क्या होगा। ड्राइवर मैं तुझे भी मार दूंगा, तूने मेरे भाई को मरवा दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इनसे ही प्यार करता था भाई। ये तो भावना में बेरा है, मैंने सोचा था खुद को मारेगा, अबे बदतमीज गन नीचे कर, गड़बड़ हो जाएगी, देख मैं अभी भी आखिरी बार समझा रहा हूँ, ये काम मत कर अलेक्जेंडर, देख अभी भी मौका है भाई, सुधर जा, हम दोनों फिर से दोस्त बन सकते हैं, अबे ऐसा मत कर भाई, क्या खा रहा है तू, ये मत कर। अरे यार चलो खैर भाई, जैसा मैंने सोचा था ऐसा ही हुआ, बट मैंने सोचा था ये अपने आपको गोली मारेगा, फिलहाल ये जहर लेकर के पॉकेट में घूम रहा था। अबे नमूने यहाँ पे दो भाई मर गए, तेरे को सिगरेट पीने की लगी है, अबे बदतमीजों के सरदार, शर्म नहीं आई तेरे को, चुपचाप निकल जाए यहाँ से भाई, हद है यार, मानता हूँ नकली बंदा है तो ये थोड़ी किसी की मौत पे सिगरेट पिएगा। और जिमी आटे के थैले बेटे, थोड़ी देर में लेसर अंकल के बंदे आएंगे, घर पर पहुंच जाना, मम्मा को मत बताना इसके बारे में, अभी तो सेफ है ठीक है। तो फिलहाल यार इन दोनों भाइयों को मेरे को काफी दुख है, क्योंकि इन दोनों के बीच में काफी प्यार था बेचारों के, सॉरी भाइयों यार देखो, बट मेरी फैमिली के ऊपर जो कोई भी नजर उठाता है ना, सबसे पहले देखो भाई उनको मारना जरूरी होता है, क्योंकि ये कभी भी दुश्मनी कर सकते थे, कभी भी मार सकते थे, आज इन्होंने जिमी को उठाया था, पता नहीं क्या कर सकते थे, अगर इनमें इतनी अकल थी ना भाई तो इन दोनों को भाग जाना था, मैं इनको कुछ नहीं बोलता, मैं इनको जाने देता, बट इन्होंने भागने के बाद भी जिमी को किडनैप करा, ये इनको नहीं करना चाहिए था, फिलहाल जो इन्होंने करा वो इनको मिल गया, मैंने तो किसी को टच भी नहीं करा भाई, दोनों अपने आप ही मर गए, इसको कहते हैं ट्रेवर की प्लानिंग। फिलहाल भाई चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं, एक छोटा सा काम और बाकी करना है, अंडरवर्ल्ड माफिया उनकी भी तो कमर तोड़नी है ना, पता करता हूँ अपने सैम से हैकर वही भाई जिसको माइकल लेकर के आया। भाई खुशखबरी, सारा पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया उस बंदे ने, ए टू जेड जितना अंडरवर्ल्ड माफिया के पास पैसा था भाई, अनलिमिटेड पैसा था बंदों के पास, सारा पैसा अपने पास पहुंच चुका है। अभी थोड़ी देर फोन तो जरूर करेंगे रोते हुए, ड्राइवर पैसा दे दे पैसा दे दे, मैं बोलूंगा कद्दू ले ले कद्दू ले ले,
यही बोलना पड़ेगा भाई, अब क्या कर सकते हैं भाई। बंदों का फोन आ चुका है, सच में चमन तो बड़ी तेज निकले, जैसे पैसा कटा फोन कर दिया, बंदे बोल रहे ड्राइवर हम तुमसे मिलना चाहते हैं, मिल करके सारा फैसला कर लेंगे, हमें पता चल चुका है तू जिंदा है, ये फिर क्या ड्रामा था, तुझे तो पकड़ लिया था जिंदे वगैरह वगैरह। मैंने बोला ड्राइवर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे डोन के ऊपर चलता है डायलॉग, बट हम तो ड्राइवर के ऊपर चलाएंगे, इसके ऊपर भी चलना चाहिए डायलॉग। तो फिलहाल वही वाला काम है, तो बंदे समझ चुके हैं मेरी प्लानिंग है, बट फिलहाल अभी समझ भी गए तो कुछ नहीं हो पाएगा, मेरा प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। प्लान जब तक चलना चाहिए जब तक पैसे मेरे पास नहीं आते, पैसे मेरे पास आ चुके हैं, अब तो भाई किसी को पता चल जाए प्लान, कोई टेंशन नहीं है। मुझसे मिलना चाहते हैं, बंकर में बुलाया मिलने के लिए, बोल रहे हैं आजा भाई प्लीज बैठ करके बात करते हैं, जो हो गया सो हो गया भूल जा। भाई मैं बंकर में पहुंच चुका, बहुत सारे गार्ड खड़े करके रखे, मेरे को मिलने के बुलाया, मेरा मर्डर करने के बुलाया, वैसे बंदे ने गोली तो नहीं चलाई है, चलो कोई टेंशन की बात नहीं है भाई। फिलहाल बंदे बोल रहे पार्किंग में मिलेंगे, मैं तो अपनी बाइक अंदर ही लेके आ गया, मैं नमूने मान जा, तेरे को पिटना है तेरे बॉस के साथ में, वो तो मरेंगे यार सारे के सारे। ये खड़े हमारे सारे के सारे भाई यहाँ पर, वाह भाई वाह, तो ये है अंडरवर्ल्ड माफिया के बंदे, वाह। अरे भाई एक जैसे कितने सारे बंदे, 5 बंदे, अच्छी बात है। अरे मेरे भाइयों कैसे हो यार तुम, तो यहाँ भाई पार्किंग में छुप गए। ड्राइवर भाई प्लीज पैसे दे दो, और देखो आपस में हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, जिंदगी में वादा करते हैं आपके रास्ते में कभी नहीं आएंगे, वादा करते हैं ना तो केजीएफ को परेशान करेंगे, बट हमारा अमाउंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, प्लीज दे दो ना। बच्चों की तरह रो रहे हैं, चलो डांस करो, दूंगा पैसा दूंगा, नाचो जो जितना जोर से नाचेगा जितनी देर तक नाचेगा पैसा मिलेगा, इतना मिलेगा तुम लोगों ने सोच रही होगा, नाच बसंती जितना नाच सकती है तू नाच नाच। इसको कहते हैं भाई मौत का डर, और पैसा आपसे कुछ भी करवा सकता है, समझ रहे हो भाई, ये है अंडरवर्ल्ड माफिया जो के जीएफ से भी बड़ी है। ड्राइवर के सामने नाच रहे हैं बंदे, है ना कुछ पावर यार, देखो पावर तो है ही सच में यार, ऐसी बात नहीं यार, ड्राइवर किसी से कम नहीं है, मैंने आपको पहली बोल के रखा है, कभी भी इसको हल्के मत लिया करो, कर दिया ना नमूनों का इलाज, नाच रहे देखो भाई, कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कभी शादी में भी नाचे किसी अपने सगे के, ये जो ड्राइवर के सामने मुजरा करने में लगे सारे सारे बंदे। तो फिलहाल भाइयों मुझे डांस पसंद नहीं आया, मुझे डांस पसंद नहीं आया, और तुम लोग अभी मेरे साथ चलना पड़ेगा, लेसर को फोन करता हूँ, कुछ बंदों को बुलाता हूँ, इनको एक जगह लेकर के चलता हूँ, वहां पर इनको बांध करके फिर माइकल को फोन करूंगा, क्योंकि सारा काम पूरा हो चुका है, अभी माइकल को सब कुछ बताने का टाइम आ चुका है, मुकेम्बो को भी फोन कर देता हूँ, सारे के सारे वहीं पर आ जाएंगे, बैठो कुछ नहीं मिलेगा, समझ में आया ना, तुम्हारा तो नेता वहीं पर बनेगा। भाई आप लोगों ने फ्लैश बैक देख ही लिया, तो ये रहे सारे के सारे नमूने, मुझे बोल रहे ड्राइवर छोड़ दे प्लीज यार छोड़ दे, क्योंकि पैसा तो ले लिया, अब हमारी जान छोड़ दे, ऐसे कैसे छोड़ दूं, ड्राइवर जो काम करता है पूरे करता है। तो फिलहाल भाई अभी आपके सारी चीज समझ में आई गई होगी, पैसे जाते ही भाई सारे सारे गरीब हो गए, बंकर पे जाके छुप गए, मैंने बना दिया इनका नेता, जिमी सेफ है, अलेक्जेंडर की बेवकूफी देखो, अपने ही भाई को गोली मार दी और खुद ही मर गया बदतमीज। तो फिलहाल भाई उसने जो करा उसकी वही उसकी सजा थी, बात खत्म, चलो 6 महीने को उसको मारने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही मर गया जहर खा करके, बात खत्म हो चुकी है। फिलहाल भाई अभी हमारे पास पैसा भी आया है और इनको खत्म कर देते, तो इससे भाई 2 शिकार हो गए, अंडरवर्ल्ड माफिया भी खत्म हो गई, और मेरे को ये भी पता चल गया डिवाइस कहाँ पर है, हाँ मैंने आपको अभी तक ये बात नहीं बताया डिवाइस है कहाँ पर, मेरे को वो भी पता चल चुका है। फिलहाल इनको खत्म करने के बाद डिवाइस लेने के लिए चलते हैं जल्दी से, तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों पेट्रोल निकाल के बनाऊंगा, नहीं 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 पेट्रोल नहीं, बोतल कब काम आएगी। माइकल बेटे नजारा देख, अंडरवर्ल्ड माफिया तेरे सामने खत्म होगी, केजीएफ भाई आपसे ज्यादा अमीर बनते थे ना, अभी बनाता हूँ मैं इनको तुमसे ज्यादा अमीर, तुम ज्यादा पावरफुल, ये ले बेटे इतना दम आया, जल्दी निकलो जल्दी, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अंडरवर्ल्ड माफिया ड्राइवर से बड़ी माफिया पूरी दुनिया में तुम लोगों ने देखी नहीं होगी बेटे। तो फिलहाल चलिए भाई नेता बन गया है, इसी के साथ साथ अंडरवर्ल्ड माफिया हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। तो माइकल भाई कैसा लगा तेरे को ड्राइवर का प्लान? तो भाई सच में इस डील से भी हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ, सिंगल भी बंदा हमारी टीम से नहीं मरा, और मतलब भाई मरने भी नहीं दिया, मैंने अंदर अंदर रह करके सारे काम कर लिए, हैकिंग करके इनको गरीब बना के पैसा भी लूट लिया, अंडरवर्ल्ड माफिया को खत्म कर दिया, अलेक्जेंडर और उसके भाई का किस्सा भी सॉल्व कर दिया। तो इसी के साथ साथ बस मेरे को अभी जाना है वो डिवाइस लेने के लिए और मिलिट्री को दे देना है, और आज हमारा मिलिट्री का वो मिशन भी पूरा हो जाएगा जो बंदों ने मुझे दिया था, तो सारी चीज मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है माइकल यार मैं निकलता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी डिवाइस लेकर के आना है, मेरे को पता है वो कहाँ पर है, मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ मुकेम्बो भाई, और बताइए कुछ बातें थी तो बता दीजिए, नहीं तो मैं निकलता हूँ, या फिर आप बताओगे मैं ही बताऊँ क्या? ड्राइवर भाई आप भी, चलो मैं ही बता देता हूँ। तो फिलहाल आपको जैसे पता ही है मैंने एक नया रूल निकाला है, आगे से मैं तो मजे लूंगा, मैं तो हॉलीडे पे जाने वाला हूँ, उस रूल के हिसाब से आप केजीएफ के नए बोस हो, अब से आप केजीएफ को संभालने वाले हो, मैं थक चुका हूँ और मेरी सारी टीम और मेंबर्स भी मान चुके हैं कि वो आपको बोस मान लेंगे। मैंने रूल चेंज करा, पहले रूल ये था कि मरने के बाद ही बोस बनेगा, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी मर्जी की बात है, तो मेरी मर्जी थी, मैंने नया रूल निकाला,
अब आप बोस बन चुके हो, बात खत्म। तो भाई फिलहाल आपने मुकेम्बो से सुन लिया, मुकेम्बो ने एक नया रूल निकाला है जिस रूल के हिसाब से इन्होंने मेरे को बॉस बना दिया है। ये छुट्टी पर रहेंगे, आराम से मजे लेंगे, तो फिलहाल अभी मुकेम्बो को मारने की जरूरत भी नहीं है, ट्रेवर बन चुका है नया बॉस, है ना भाई, मजे की बात। तो आज तो सच में चांदी चांदी हो गई। तो मुकेम्बो भाई थैंक यू यार सारा काम करने के लिए, आपसे अच्छा दोस्त मेरे को कभी शायद से मिलेगा नहीं दोबारा, बहुत अच्छा बंदा है यार। देखो तुम अपनी पूरी गैंग इतनी बड़ी भाई, जो मैं आपको बताया 149 कंट्री शायद से, हाँ इतना ही है ना, तो मतलब उनके ऊपर राज करती है भाई KGF, और इसने सारी की सारी KGF मेरे हवाले कर दी। अब बताओ भाई कोई ऐसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता भाई। भाई मैं बंकर में पहुंच चुका हूँ, ये बंकर जो है ना भाई अपने अलेक्जेंडर और उसके स्टार भाई का है। तो फिलहाल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जैसे मैंने खबरियों से पता लगवाया, और लो भाई इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। ये जो गेट है ना, ये एक गेट एक सीक्रेट हैंगर में लेकर के जाएगा मुझे, और उस हैंगर में एक सेफ मिलेगा जिसके अंदर बॉक्स को रखा हुआ है। वो जो पहले में बॉक्स मिला था वो सब फर्जी था, उसमें कुछ नहीं था। ये बड़ी डीप से मैंने खबर निकलवाई है भाई। मैंने आपको पता है जब मैं गायब हो जाता हूँ ना तो मैं ध्यान लगाता हूँ सिर्फ काम काम की चीज़ों पे। जब मैं गायब नहीं होता तो मेरे को बंदे ही मारने पड़ते हैं, फैमिली को भी देखना पड़ता है, मतलब सारे काम करने पड़ते हैं। जब फैमिली को माइकल देखता है उल्टे सीधे काम करता है तो ट्रेवर चीजों का पता लगाता है, और फिर भाई अपना ट्रेवर ज्यादा तेजी से काम करता है। भाई मैं हैंगर में पहुंच चुका हूँ, सामने आपको दिखाई दे रहा है बीच में एक सेफ रखा हुआ है, यही है भाई वो। तो इसका मतलब मेरे प्यारे खबरियों की खबर बिल्कुल एकदम करेक्ट निकली, सीधी सी बात है भाई कैरेक्टर निकलने वाली है। दोनों भाई बेचारे यार आपस में ही मर गए, एक ने सुसाइड कर लिया और एक ने अपने ही भाई को मार दिया, और फिर वो गिल्ट में मर गया। बहुत ही बढ़िया, अलेक्जेंडर वैसे काफी अच्छा बंदा था यार, मेरे को काफी याद आएगा जब मैं स्कूल में जाया करूंगा, वो दोस्त था मेरा, बट क्या कर सकते यार, वो तो कुछ ज्यादा अजीब बंदा निकला, उसने तो खुद ही सारी सिचुएशन खराब करी। नहीं तो मेरी बात सुनता तो मैं उसके भाई को छोड़ देता, बस मेरे को ये बॉक्स चाहिए था, बात खत्म। पता नहीं इस बॉक्स को क्यों छुपा रहे थे दोनों भाई, वो तो बाद में मिलिट्री वाले मेरे को बताएंगे क्या है इस बॉक्स में। ओपन करते वोल्ट को, पासवर्ड इसका भाई बहुत सिंपल है 7958। भाई पासवर्ड बहुत अच्छे से काम करा, मैंने बॉक्स निकाल लिया भाई, आप ऊपर देख ही रहे होंगे, ये है वो बॉक्स जिसमें निकलने वाला डिवाइस, और इसमें भाई कोई पासवर्ड नहीं है, कोई लॉक नहीं है, इस बॉक्स में नॉर्मल आराम से खुल जाएगा भाई। तो फिलहाल भाई मैंने इस बॉक्स को ओपन करके चेक भी कर लिया, मैं भी तो देखो अगर इस दिन इस चीज के लिए मतलब मैंने इतनी मेहनत करी है तो फिलहाल आखिर इसमें है क्या भाई, कोई अलग सी चीज है, कोई छोटा सा डिवाइस है भाई, एक तरीके से जैसे पेन ड्राइव होती है ना दिखने में, बस वो उतना ही साइज है, वही एक चीज है। पता नहीं अभी डिवाइस किस चीज में काम आएगा, ये मैं नहीं जानता जिसको इतने छुपा करके रखा गया, बाकी मिलिट्री वाले मेरे को टीवी चाचा ही बताएंगे। भाई मैं मिलिट्री बेस पहुंच चुका हूँ, चलिए भाई बंदे मेरा इंतजार कर रहे हैं, टीवी चाचा यहीं पर है भाई लगता है, देखते हैं। ओके भाई सही में यार सारे बंदे यहीं पर खड़े हुए, टीवी चाचा देखो सभी बंदों को लेकर खड़े, वाह भाई वाह, चलो अच्छी बात है। चाचा जी बॉक्स ले लीजिए जल्दी से और सारा काम खत्म, मैंने वो मिशन पूरा किया जो आपने मुझे दिया था, फाइनली उस स्टार वाम के बंदे को खत्म किया, उसका भाई भी मर चुका है, बॉक्स हमारे पास है, उसके अंदर का डिवाइस भी हमारे पास है, और बोनस पे अंडरवर्ल्ड माफिया भी जा चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताइए कैसा लगा आपका मेरा काम? ड्राइवर यार सच में बस वही वाला काम याद आ रहा है, तुम्हें सलामी देने का मन कर रहा है वही, अभी बस मैं क्या करूं, मेरे बंदे यहाँ पर खड़े हुए, नहीं तो मैं भी पैंट उतार के सलामी देगा। वो थ्री डेट वाली पिक्चर तुमने देखी होगी जैसे बाकी बंदे पैंट उतार के सलामी देते हैं, मेरे को वही मन कर रहा है तुम्हारे लिए वही करूं, बट कर नहीं सकता भाई क्योंकि मेरी इज्जत चली जाएगी, नहीं तो बंदे सोचेंगे कि क्या कर रहे हैं हमारे ऑफिसर सबके सामने। फिलहाल भाई चलो बात तो मैंने सुन ली इनकी, यार टीवी का दिमाग खराब हो गया, अरे भाई थोड़ी तो शर्म करो, मैं मानता हूँ चलो मूवी में किया गया है बट आप मिलिट्री के ऑफिसर हो, आपको सूट नहीं करता। फिलहाल वैसे चलो आपने चीज सोची, बहुत अच्छा लगा मेरे को भाई, मतलब कि ये मेरे को थैंक यू बोलना चाहते हैं ताकि ड्राइवर को अच्छा लगे वगैरह वगैरह, तो आप इससे अच्छा बेटर ऑप्शन सोच सकते हो। भाई मेरा टीवी चाचा को बॉक्स दे दिया है भाई, बहुत ज्यादा ही खुश है वो, तो आपने देख लिया कितने खुश है, मेरे लिए सलामी देना चाहते हैं, बट फिलहाल मैंने मना कर दिया कि वो अच्छी चीज नहीं है। तो फिलहाल भाई चलिए अभी यहां से जल्दी से निकलते हैं, आज ही भाई हमारा चलो फाइनल ये मिशन पूरा हो चुका है, मिलिट्री का वो मिशन जो मैंने काफी टाइम पहले लिया था, और इसी के साथ साथ मेरा तो बड़ा ही फायदा भी हो गया भाई, मेरे को भाई इज्जत भी मिली मिलिट्री के नजरों में, रिस्पेक्ट प्लस हो चुकी है, वही जब सेंट्रियास का भाई मिशन कंप्लीट होता था ना वही वाला काम है बिल्कुल, पैसा बहुत सारा मिल गया, अंडरवर्ल्ड माफिया का सारा पैसा मेरे अकाउंट में है एक वो चीज़, और सबसे बड़ी चीज़ KGF का नया बॉस ट्रेवर। तो सीधी सी बात है भाई सब कुछ बढ़िया हुआ इस सीरीज में देखा जाए तो, हमारे साथ में अमेजिंग थी और हमारा एडमिशन भी हो गया, ट्रेवर एक स्टूडेंट भी बन चुका है, बहुत अच्छा। चलिए भाई निकलते हैं, फिलहाल अभी मजे लेने का टाइम आ चुका है, तो बस मेरे भाई ये फिलहाल वीडियो के सिर्फ आप लोग, तो ये वीडियो कैसी लगी, सारी चीजें कैसी लगी बताना जरूर, प्लानिंग कैसी लगी तो बताना भाई। तो भाई अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा जल्दी से लाइक कर लो यार, 25,000 जल्दी से पूरा करा दो। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक एंड प्रेस करके सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो नहीं करा जल्दी से फॉलो कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।